मैं श्रीमती निशा शर्मा, बॉटनी डिपार्टमेंट, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज मैं बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर फर्स्ट के अंदर टॉपिक बीज का विकास, इवोल्यूशन ऑफ सीड के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। कल जैसे कि हमने पढ़ा था कि स्पर्मेटोफाइटा के अंतर्गत सभी बीजी पादप आते हैं। उसमें दो तरह के पादप थे, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। इन बीजों का विकास कैसे हुआ उसके बारे में विस्तृत जानकारी बता रही हूँ। बीज पैलियोजोइक महाकल्प के ट्यूवोनियन तथा कार्बोनिफेरस काल के मध्य बनने प्रारंभ हुए। बीज बनने से पूर्व सम बीजाणु पादप पाए जाते थे। सम बीजाणु मतलब पादप में बनने वाले सारे बीजाणु एक ही आकार और प्रकार के थे, परंतु कुछ पादपों में विषम बीजाणु भी पाए गए। इनमें पादप के अंदर दो प्रकार के बीजाणु, छोटे बीजाणु लघु बीजाणु और बड़े बीजाणु गुणु बीजाणु, ऐसे पादपों के अंदर बनने वाले बीजाणु को विषम बीजाणु कहा जाता है। तो विषम बीजाणुता भी इनमें पादपों में विकसित हुई। प्रारंभ में विषम बीजाणुता तो पाई गई, परंतु बीज बनना प्रारंभ नहीं हुआ। ऐसे पादप टेरिडोफाइटा के कुछ सदस्य थे, जैसे सेलेजिनेला, मार्शलिया इत्यादि। सर्वप्रथम बीज अनावृत बीजी पादपों में बनना शुरू हुए, इसके पश्चात आवृत बीजी विकसित हुए हैं। विषम बीजाणुता व बीज स्वभाव। पादप विकास में बीज का बनना एक जटिल प्रक्रिया है। विषम बीजाणुता बीज बनने के लिए आवश्यक प्रक्रिया है। एक ही जाति में आकृति, आकार एवं कार्य के रूप में दो भिन्न प्रकार के बीजाणुओं की उपस्थिति विषम बीजाणुता कहलाती है। इसमें छोटे आकार के लघु बीजाणु एवं बड़े आकार के गुरु बीजाणु पाए जाते हैं। लघु बीजाणु जिस पर्ण पर लगते हैं, लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर, ये जिस पर्ण पर लगते हैं उसे माइक्रोस्पोरम जो है कहते हैं, और ये माइक्रोस्पोर्स जिस बीजाणुधर में बनते हैं उसे माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम में जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं उनका आकार बहुत छोटा होता है, तथा संख्या बहुत अधिक पाई जाती है। इसी तरह से गुरु बीजाणु जिन्हें हम मेगास्पोर्स कहते हैं, ये मेगास्पोर्स मेगास्पोरोफिल पर लगे रहते हैं। ये गुरु बीजाणु पत्ती पर लगे रहते हैं और मेगास्पोर का निर्माण मेगास्पोरेंजियम गुरु बीजाणुधारी के अंतर्गत होता है। जो मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर्स की संख्या चार बनती है, ये अपेक्षाकृत आकार में बड़े होते हैं। दोनों प्रकार के बीजाणु की कार्य के रूप में भिन्न होते हैं। मेगास्पोर्स के अंदर इनका परिवर्तन भी अलग अलग प्रकार से होता है। लघु बीजाणुधारी जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, ये अंकुरित होकर मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं, और इस मेल गैमेटोफाइट में एंथीडिया बनते हैं। एक एंथीडिया जो होते हैं वे एगुणित होते हैं। इसी तरह से गुरु बीजाणु फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, इस फीमेल गैमेटोफाइट में आर्किगोनिया या स्त्रीधानी का निर्माण होता है, जिसके अंदर एग सेल बनती है। इसी तरह से एंथीडिया में एंथ्रोजॉइट्स मनु बनते हैं। एंथ्रोजॉइट्स हैं कुमनुओं का निर्माण होता है। वैज्ञानिक जे पेटिट के अनुसार बीजी पादपों का अध्ययन किया तथा निम्नलिखित तीन स्थितियों द्वारा सम बीजाणुता से विषम बीजाणुता के विकास को दर्शाया। प्रथम, पादपों में पहले एक ही प्रकार के रूप, रंग, आकार, व्यवहार, प्रकृति के बीजाणु होते थे, जो सम बीजाणु कहलाते थे। दूसरा, विकास के दूसरे चरण में विषम बीजाणुता अर्थात रूप, रंग, आकृति, व्यवहार में भिन्न बीजाणु
सर्वप्रथम एक ही बीजाणुधानी से उत्पन्न हुए। इस अवस्था में कुछ जीवाश्म प्रमाण भी उपस्थित हैं। तीसरे मुख्य चरण में जिसके अनेक जीवाश्मीय प्रमाण उपलब्ध हैं उसमें लघु बीजाणु तथा गुरु बीजाणु अलग अलग बीजाणुधानियों से उत्पन्न हुए। यह दोनों बीजाणुधानियाँ एक ही पादप पर लगी रहती थी अथवा अलग अलग पादपों पर भी मिलती थी। विषम बीजाणुकता या हेटरोस्पोरी का विकास आद या प्रिमिटिव मुक्त बीजाणुक सम बीजाणु पादपों से हुआ। सम बीजाणु से विषम बीजाणु पादपों के विकास के दौरान निम्नलिखित परिवर्तन हुए। प्रत्येक बीजाणुधानी में बीजाणुओं की संख्या में ह्रास हुआ। बचे हुए बीजाणुओं के आकार में वृद्धि। उभयलिंगीश्रीय शरीर में से एक लिंगाश्रीय प्रकृति तथा बहिर्बीजाणुक एक्सोस्पोरिक से अंतक बीजाणु एंडोस्पोरिक युग्मोद्भिद का विकास हुआ। मध्य डिवोनियन काल से पूर्व सभी सवनी पादप सम बीजाणुक थे। मध्य डिवोनियन काल के जीवाश्म टेरिडोफाइट कैलिमोस्टिकिस बाइनियाना तथा कॉलेरिया में विषम बीजाणुता पाई जाती थी। आज यह सिलेजिनेला सहित 8 अन्य वंशों में भी विषम बीजाणुता पाई जाती है। इससे पूर्व उर्ध्व डिवोनियन काल के जीवाश्मीय जिम्नोस्पर्म पादप आर्कियोप्टेरिस में विषम बीजाणुता ज्ञात की गई थी। मुक्त बीजाणुक जीवाश्मीय टेरिडोफिटिक पादप कॉलेरिया में एक अंश पर चक्रिक रूप से विन्यासित आभासी एक लाक्षी शाखाएं सूडो मोनोपोडियल ब्रांचेस पाई जाती थी। इन शाखाओं पर एक अथवा दो बार भाजित उपांग उपस्थित रहते थे। कुछ शाखाओं पर तर्कुरूप बीजाणु लगते थे जिनमें लंबवत स्फुटन पाया जाता था। कॉलेरिया के बीजाणुधानी के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि इसमें असंख्य बीजाणु उपस्थित थे जो भिन्न भिन्न आकार के थे। छोटे बीजाणु 30 से 40 μm व बड़े बीजाणु 60 से 150 मिली माइक्रोन व्यास के थे। कुछ बीजाणुधानी में केवल छोटे अर्थात लघु बीजाणुधानी ही उपस्थित थे जबकि अन्य बीजाणुधानियों में दोनों प्रकार के बीजाणु उपस्थित थे। विषम बीजाणुकता का महत्व। विषम बीजाणु जातियों में लिंग निर्धारण बीजाणु उद्भिद पादप में ही बीजाणु जनन के समय ज्ञात किया जा सकता है। इनमें गुरु बीजाणु धानी में इनमें गुरु बीजाणु में जो पादप पर ही लगे हुए गुरु बीजाणु धानी में विकसित होते हैं उसे भोजन की बीजाणु उद्भिद मात्र पादप से प्राप्त होता है। उस युग्मोद्भिद में विकसित हुए गुरु बीजाणु को शीत ताप कीटाणुओं तथा अन्य पर्यावरण की जटिलताओं का सामना नहीं करना पड़ता है जिससे उनकी वृद्धि निरंतर व सामान्य होती है। जबकि वह प्रोथेलस जो स्वतंत्र जीवन यापन करता है उसे वातावरण की जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। वह अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बीज के विकास में पादप पर लगी गुरु बीजाणुधानी में मादा युग्मोद्भिद को अधिक सुचारू रूप से विकसित होकर बीज स्वभाव के विकास में सहायता मिलती है। बीज संरचना का विकास। बीज संरचना का विकास पादप के स्थलीय स्वभाव के लिए बीज संरचना के विकास को सबसे अनुकूल माना गया है। कुछ मुख्य विशेषताएं बीजी पादपों के बीज प्रवर्धन में बहुत अधिक सहायक हुई। बीज बनने के लिए निम्नलिखित संरचनात्मक परिवर्तन हुए। प्रथम विषम बीजाणुता जिसमें दो प्रकार के बीजाणु लघु बीजाणु व गुरु बीजाणु उत्पन्न करने की क्षमता होना। दूसरा लक्षण गुरु बीजाणुधानी में मात्र एक क्रियाशील गुरु बीजाणु की उपस्थिति। तीसरा जनक पादप की गुरु बीजाणुधानी में ही मादा युग्मोद्भिद का विकास। चौथा गुरु बीजाणुधानी में ही गुरु बीजाणु का निषेचन एवं भ्रूण के विकास का पूर्ण होना। भ्रूण विकास के लिए मादा पादप द्वारा पोषण प्रदान करना। नर युग्मोद्भिद पादप के आकार का हासित होना। मादा युग्मोद्भिद के बीजाणुकाय तथा
गुरु बीजाणुधानी की भित्ति का पूर्णतः संलग्न होना, गुरु बीजाणुधानी के चारों ओर सुरक्षित अध्यावरण का पाया जाना या उसकी उपस्थिति, नाल युग्मन की उपस्थिति, भ्रूण बनने के पश्चात इसमें सुप्तावस्था की उपस्थिति, बीजी पादपों स्पर्मेटोफाइटा या फेंड्रोगेम्स में सभी गुण मौजूद रहते हैं, इसीलिए ये पादप बीज बनाने में सक्षम होते हैं। निषेचन के लिए पूर्ण रूप से परिपक्व जीवित पादपों के बीजाणु में निम्न संरचनाएं उपस्थित होती हैं। फर्स्ट अध्यावरण इंटेग्यूमेंट, सेकेंड बीजाणु द्वार माइक्रोफाइल, थर्ड न्यूसेलस, फोर्थ मादा युग्मोद्भिद, फिफ्थ स्त्रीधानी, सिक्स्थ अनावृत बीजी पादपों में स्त्रीधानी अनुपस्थित रहती है तथा इनके स्थान पर अंड समुच्चय अंड उपस्थित होता है। निषेचन के पश्चात मादा युग्मोद्भिद में के पोषक उत्तक में भ्रूण के पाए जाने पर वह बीज कहलाते हैं। प्राप्त जीवाश्म रिकॉर्ड के आधार पर यह कहा जा सकता है कि डिवोनियन काल में बीज संरचना सदस्य तथा बाद में निम्न कार्बोनिफेरस काल से बीज जीवाश्म प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। एकल गुरु बीजाणु की बीजाणुधानी के बीज के रूप में परिवर्तन के दौरान गुरु बीजाणु के चारों तरफ अध्यावरण तंत्र भी विकसित हुआ है। बीजों के दो समूह मिलते हैं, एक समूह में अध्यावरण बीजाणुकाय से जुड़ा रहता है तथा दूसरे समूह में अध्यावरण बीजाणुकाय से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। लेफोकार्पोन एवं मियोडेस्मिया जैसे पादप के बीजाणुपर्ण के रूपांतरण द्वारा अध्यावरण तंत्र विकसित हुआ। जिम्नोस्पर्मिया किडस्टोनाई अध्यावरण तंत्र बीजाणुकाय से स्वतंत्र था, यह मात्र आधार से जुड़ा था। यह बीज के नज़दीक होने के गुण को दर्शाता है। जेनोमास्पर्मा लेपिडोकार्पोन नग्न बीजाणुधानी के बीज सदृश संरचना की अवस्था को दर्शाते हैं। आर्कियोस्पर्मा पुरातन बीजयुक्त जिम्नोस्पर्म जीवाश्म का उदाहरण है। जैसे कि आपको बताया था कि मेगास्पोर्स में से केवल चार मेगास्पोर में से तीन नॉन फंक्शनल होते हैं और एक ही क्रियाशील होता है। यह एग्जांपल है आर्कियोस्पर्मा।